फ्रेंड्स, कई बार ऐसे होता है आपके गांव के जो मुखिया या फिर ग्राम प्रधान या फिर वार्ड मेंबर है, उसके फंड में जो पैसा आता है बांध डोबा या फिर कुआं खुदवाने के लिए, वो क्या करते हैं कि उसका जो करीबी या फिर ज़्यादा जान पहचान लोग होते हैं उसका अटेंडेंस बना के सारे पैसा उठा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता हमारे गाँव में कितना फंड आया है और कितना काम हुआ है। तो दोस्तों, ऑनलाइन का ज़माना है, आप भी ये पता लगा सकते हैं कि कितना फंड आया है और कितना काम हुआ है आपके गांव में, और आप मुखिया का बांस भी कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में जानते हैं कि आप किस तरह से गांव के किस किस चीज़ का फंड आया है और उसे कैसे निकाल कर देख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मास्टर रोल चेक करने के लिए आप पीसी या मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप किस तरह से मोबाइल में आप मास्टर रोल को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ पर आपको गूगल के सर्च बॉक्स में आपको लिखना होगा एनरेगा एनरेगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप एनरेगा लिखने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला है, इसमें हमको नहीं जाना है। उसके नीचे में आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इसमें हमको क्लिक करना है। तो चलिए, हम लोग ग्राम पंचायत में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आ जाएगा इसका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज की वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ डाटा एंट्री, उसके बाद जनरेट रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमको जाने के बाद यहाँ पर आपको ये जो सेकंड नंबर में दिया हुआ जनरेट रिपोर्ट, इसमें क्लिक करना है। तो चलिए, इसमें हम लोग क्लिक कर लेते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया में जितने भी आपका स्टेट है वहाँ से ये जहाँ भी जहाँ जहाँ काम होता है वहाँ का आप चेक कर सकते हैं। लगभग यहाँ सभी स्टेट दिया हुआ है। तो चलिए, हम झारखंड से हैं तो यहाँ से झारखंड में हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप झारखंड को क्लिक कर लेंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट हमने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसको हमको सिलेक्ट करना है। चलिए, हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी साल का आप देखना चाहते हैं, यहाँ से आसानी से आप देख सकते हैं कि कितना काम हुआ कितना नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ये करंट हम लोग का चल रहा है 2021, इसमें हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए आ रहा है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेंगे। तो चलिए, हमारा सरायकेला खरसुआ है, तो यहाँ से हम सरायकेला में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जिस जो भी आपका ब्लॉक है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से हम गम्हरिया चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपका जो पंचायत है उसे आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर पंचायत सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चूज कर लिया, भर दिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर प्रोसीड लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जो पंचायत का यहाँ डैशबोर्ड यहाँ पूरी तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ पर जाना होगा मास्टर, आपको क्या करना है, मास्टर रोल चेक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 8वां नंबर में यहाँ पर मास्टर रोल चेक करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए, हम लोग फटाक से क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आपके पास अगर थोड़ा भी टाइम है तो वीडियो को पूरी देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से खुल गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में राज्य हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद विकास जो ब्लॉक है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पंचायत, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस के नाम पे कितना या फिर क्या क्या आया है फंड में पैसा, वो आप यहाँ से आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गांव का एक नंबर होता है जॉब कार्ड में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि किस गांव का है क्या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका किसका है, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं जो टंटा कोसी पंचायत के हैं वो किसका किसका आया है, वो यहाँ पर आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ नाम खोजने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-4 मिनट, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, यहाँ सब कर सकते हैं, खोज सकते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे ही आपका कोई काम आया है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपना जो रिश्तेदार है या फिर कोई जान पहचान, उसको काम में लगा के उसका पैसा, आप उसका अटेंडेंस बना के उसका पैसा सब उठा लेते हैं और खा जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि दोस्तों ये आपका नाम पे आया तो इसमें आपका फैमिली या फिर कोई आप में से कोई काम करेगा, आपको पैसा मिलेगा, ना कि कोई और कोई। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, चालाकी करते हैं और दूसरों को काम दे के जान पहचान को वो पैसा क्या करते हैं, खा जाते हैं। यहाँ पर आप एक सिलेक्ट करके हम दिखा देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीधरपुर गांव में अर्जुन मंडल के ज़मीन पर 14:14:10 का डोभा निर्माण, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला डोभा निर्माण आया है। तो ये इसका फैमिली को पैसा मिलना चाहिए, उसका फैमिली यहाँ पर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसे ग्राम मुखिया या फिर ग्राम प्रधान ऐसा करते नहीं है, वो दूसरा को काम पे लगा के वो लोग पैसा खा जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल जानते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली टिक लगाना, टिक लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मास्टरल फील्ड नहीं है फाइनेंशियल, इसमें तो ये आया हुआ है, ये हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं बताते। चलिए हम दूसरा एक ट्राई करते हैं, इसका ट्राई करते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में, सो इस साइड में यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी सर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आएंगे, तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो भी काम किया है और जो भी है उसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो काम किया है। उसके बाद यहाँ उपस्थित प्रतिदिन मजदूर का जो मिलता है, यहाँ हाजिरी देख सकते हैं कितना दिन काम किया है, उसके बाद कितना पैसा मिलता है, उसके बाद कितना हुआ यानी कि इतना को इनको करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसका कौन सा बैंक अकाउंट में पैसा गया है, IDBI बैंक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस बोल सकते हैं इसको, या ब्रांच कौन सा ब्रांच का है, IFC कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर भी दिया हुआ, क्रेडिटेड यानी कि पैसा जो है उसका खाता में चल गया है, कब गया है, उसका डेट भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये सब कितना मिलता है, उसके बाद कितना हर्जरी है ये वाला, उसके बाद कौन सा ब्रांच का है, कितना पैसा मिला, ये सब आ जाएगा। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन काम किया है और कौन एब्सेंट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी ये जितना भी है ये सब काम किया हुआ, एब्सेंट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वो लोग क्या करता है कि अपना जो घर का है अपना नाम से आया, वो लोग दूसरा से काम करवाते हैं, या फिर अपना नाम से आया है तो वो लोग काम देते नहीं हैं हम लोग को, और वो दूसरा से करवा के पैसा सब उठा लेते हैं, इस तरह से आपको बुद्धू बना लेते हैं। तो ये सब आप जानना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कोई समय नाम में क्लिक करके उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं कि सब में। तो चलिए इसमें हम कोई समय क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह से खुलेगा, और यहाँ से उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, कौन कौन काम क्या है क्या नहीं, कैसे कैसे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्क नेम, मतलब कहाँ कहाँ काम किया है क्या नहीं, ये सब आप देख सकते हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई सा भी यहाँ पर नाम में क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टेटस आपको दिखाई देगा,
उसके बाद ये जो काम आपको मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना का टेंडर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,016 रुपया का ये टेंडर यहाँ पर आप काम कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप पूरी तरह से आप उसका डिटेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो भी ग्राम प्रधान या फिर मुखिया है इस तरह से आपको पैसा लूटते हैं या फिर उल्लू बनाते हैं। तो आप इस तरह से आप चेक करके उसको उसका पोल खोल सकते हैं या फिर उसको फ़ोन करके ये कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप ऐसा ना कीजिए नहीं तो हम आपके नाम पे कुछ FIR ऐसे कुछ दर्ज करेंगे तो आप डर जाएगा और अगली बार से ऐसा नहीं करेगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।